30 40 को टेंपरेचर होता है ना। ये फ्रूट कौन सा है भाई, इसको टच नहीं करें ये। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक मज़े में होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सभी ठीक हैं। तो जनाब मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूं। अगर तो आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग हैं भी किधर ये भी आजकल नहीं मुझे समझ आ रही, क्योंकि कोई मेरे व्लॉग्स नहीं देख रहा है, देख लिया करें। और दूसरी बात यह है कि हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी दीजिएगा। और मैं जो स्नैक्स बना रही थी जल्दी से मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बहुत ही मज़े वाले, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, मेरे भी बच्चों को ही पसंद आए थे, मुझे खुद नहीं समझ आई थी कि मैंने क्या बनाया है। ठीक हो गया जनाब, मैंने इसको राउंड में कुछ कट किया, आलू कुछ फिंगर चिप्स की तरह कट कर लिए, और इसमें मैंने स्पाइसिस क्या डाले थे, बहुत ही थोड़े सारे, चाट मसाला, नमक, रेड चिलीज, और साथ में सूखी मेथी थी, और गार्लिक पाउडर था, राइस फ्लोर था, साथ में मैदा था, ठीक है, और थोड़ा सा दूध ऐड करके जितने आपके आलू हैं उसके मुताबिक। और ये हो गए फ्राई, क्योंकि मैंने आपको फ्राई हुए दिखाए नहीं, इसलिए फ्राई करते हुए, क्योंकि ऑयल की शक्ल कोई इतनी प्यारी नहीं थी। वैसे एक दफ़ा या शायद दो दफ़ा कुछ उसमें फ्राई हुआ था, लेकिन ना मैंने कहा चलें फ्राई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, थंबनेल से और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैं आज आपके साथ क्या शेयर करूँगी, और जो मैं शेयर करूँगी ये मेरा अपना अकेली का डिसीजन था, ये मैंने खुद ही फैसला किया था कि मैं एपिडुरल इंजेक्शन लगवाती हूँ आदम की दफ़ा, जो मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ था, और इतना बुरा एक्सपीरियंस था। अगर आप लोगों का किसी का माइंड बना हुआ है, ज़ाहिर है ये तो चीज़ साथ साथ है कि हम इंजेक्शन लगवा लेंगे या कुछ कर लेंगे, तो बराए मेहरबानी लड़कियों आप लोग कभी भी ना ये सोचो, उस टाइम की पेन जो है ना वो वक्ती होती है, कसम से वक्ती होती है वो, उसके बाद ना आप सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन ये वाले इंजेक्शन के बाद आप सारी ज़िंदगी नहीं भूलते कि मैंने ये इंजेक्शन लगवाया था, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत ही गलत है। आप लगवा तो लेते हैं, लेकिन ना मेरे, मुझे तो इस इंजेक्शन ने फ़ायदा भी कोई नहीं दिया था। मज़े की बात यह है, मैंने इंजेक्शन लगवाया था रात में, आदम जाकर सुबह पैदा हुआ था, तो आप सोचें क्या फ़ायदा हुआ होगा इसका, मुझे कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ था, उल्टा इसने मेरा बहुत काम ख़राब किया। अब मैं यहाँ पर सारी बातें शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको यही मशवरा ज़रूर दे सकती हूँ, इसको कभी भी ना लगवाएं। आजकल मेरी कमर में इतनी पेन निकली हुई है, अब मेरा बेटा माशाल्लाह से 5 ईयर्स का होने वाला है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि डे बाय डे ये पेन इतनी बढ़ती चली जा रही है। कुछ भी एक्स्ट्रा आप काम कर लेते हैं, अगर नहीं भी करते तो भी बुरा हाल हुआ होता है, अगर कर लेते हैं फिर तो बिल्कुल बेड़ा गर्क, सत्यानाश, सब कुछ हो जाता है। और आजकल मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पूरी बैक जो है ना, नेक से लेके पूरी बैक अकड़ी हुई है, फुल अकड़ा हुआ है, और फुल थकन बस बयान नहीं कर सकती। अच्छा जी, ये मैं आपके साथ संडे का सारा कुछ शेयर कर रही हूँ, व्लॉग नहीं आ रहा था इसलिए सब कुछ लेट है। संडे का ब्रेकफास्ट मैंने आपके साथ बस शेयर नहीं किया, बाकी जो कुछ किचन में मैं करती रही हूँ सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सारा दिन बच्चों की डिमांड चलती रही है, और ये जो मुझे केक आया था ये कहीं से मेरे लिए स्पेशल आया था, तो इसकी रेसिपी लूँगी फिर आपके साथ भी इंशाल्लाह सब शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी था, बहुत पसंद आया, सभी को बहुत पसंद आया। चलें जी, मैं आई हूँ डीएम पे, उतरते हैं बाहर, निकलते हैं, अंदर चलते हैं हम, आ जाओ आदम। आ गई हैं जी गर्मियाँ, और ये सॉफ्ट इस चेक कर लें, मैक्स फैक्टर का देख रही हूँ कॉस्मेटिक, और इधर पिक्चर जो है ना हमारी चेक कर लें, बॉलीवुड एक्ट्रेस। जब डीएम पे आना कुछ ना कुछ नया ही मिल रहा होता है, जो देखने आती हूँ वो भूल जाती हूँ, लेकिन अभी मुझे बड़े अच्छे से याद है कि मैं क्या देखने आई हूँ। मैं लेने के लिए आई हूँ अपना शैम्पू, वो सारी बॉडी शॉप पे नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा यहाँ पे उस तरह का कोई देखती हूँ, कोई जिंजर वाला मिल जाए, अभी देखना है मुझे, समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप क्या ढूँढ रहे हैं? अच्छी लग रही है, हाँ क्या बात है वाली साहब, आपकी क्या बात है, छोटे से बेबी, इतनी छोटी ट्रॉली ली है वैसे। चलिए, हम मौसम बहुत अच्छा, आइसक्रीम खाते हैं, मौसम अच्छा है, हाँ बिल्कुल है, अन्नी अन्नी धूप निकली है, हवा ठंडी है, और वैसे भी आदम 2 दिन तो फीवर हो रहा है, आइसक्रीम किसी ने कह रही है खानी है, गर्मी दे रही है, दिल हो रहा है, नहीं कोई चक्कर नहीं है, आदम साहब जेड़े ने ना उनकी तबीयत नहीं ठीक है, बाबा मामा को बताओ ना आपको फीवर है, मुझे फीवर है, हां आप ही खा सकती हैं, हां फीवर उसको, मामा खा ले तो फीवर उसको, लेकिन आइसक्रीम मैं नहीं खा सकती, कैसी बात है वैसे, आपको भी फीवर हो जाएगा, मुझे साथ बैठे सजा मिली होती है ना। बहरहाल वाकई मौसम थोड़ा थोड़ा सा ठंडा है, जब कोई चीज खाने का दिल कर रहा हो तो फिर मौसम नहीं देखते,
वजह ना आदम बेचारा आइसक्रीम नहीं खा सकता। देख लो ना कि बहुत सारे बच्चे इस मौसम में बहुत आइसक्रीम खा रहे हैं, हाँ। लेकिन आदम ने शायद पिछले दिन दो दफा कर दी है ना। हाँ, दो तीन दिन खाई है और टिका के खाई है। दो दिन की टिका के दो खाई है। हाँ, दो तीन दिन इसके लिए और दो तीन एक दिन की काफी है। बस उन्होंने ऐसा ही है। चलो तुम किसी दिन ना 40 को टेंपरेचर हो जाए ना अगस्त तीकर तो फिर तुम को प्लान कर ले आइस का। सही है, 40 डेढ़ ही रह गए कड़ा तो बहुत ही रेट आएगा। अगस्त आने तक हमने इंतजार करना आइसक्रीम का। हां ना, डेढ़ महीना है सारा का मसला। मेरी हैप्पी बिल खाने का दिन लोड है। हां, 10 तारीख है, पौने 2 महीने ले बीच। चलिए गाइस वेट करते हैं, पौने 2 महीने आइसक्रीम ही खानी। मेरा ना दिल हो रहा हैप्पी मील खाने का। आदम के चिटोस मम्मा भी ट्राई करेंगी, ठीक है बाबा? प्लीज मुझे भी दे दो, पैकेट खोलो बाबा। अच्छा हुआ आपने चीज़ फ्लेवर लिया, चिली फ्लेवर नहीं लिया। जो लोग मुझसे पूछते हैं ना फूड स्टोर का कि कौन सा स्टोर है, तो ये जनाब ये वाला स्टोर है। ये इसका एड्रेस है और ये देख रहे हैं इसका ये नंबर है, यहाँ से आप लोग सब पता कर सकते हैं। ब्रुकसाल में ये फूड स्टोर न्यू ओपन हुआ है। तो अभी भी मैं यहाँ पर आई थी, कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो बस मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। इसका कार्ड ही देख लें भाई। ये फ्रूट कौन सा है? ये गरीबा का अंगूर है। नहीं वाकई ये कोई फ्रूट है या वैसे? हाय इसको टच नहीं करें, ये बहुत ज्यादा वो कांटे हैं इसमें। हाँ ऐसे ही है, चेक करते हैं पत्तों के साथ कांटे हैं। हाँ, वो इसलिए कांटे हैं, उन्होंने कहा हाथ कोई ना लगाए। ये क्या कोई फ्रूट है? कुछ निकलना देखो है। हाँ लिक्विड है इसमें। ओह माय गॉड, ब्लड है ये सारा, पता है आपको? पी लीजिए फिर। ये वाला नहीं, ब्लड पीने वाला कोई है। औरतन में चलो नहीं, आप कुछ कहने लगे थे, डर गए मेरे से। डर गए है ना, बंदियों का पीना लो ये पीना चाहिए। हाँ। अच्छा बंदियों का पीने से ये पीना चाहिए? कौन बंदियों का खून पी रहा है बताएं जरा। हाँ आपका क्या ख्याल है? हर रोज मुझे बातें सुनाते हैं आप, कितनी बुरी बात है। क्या करूँ मैं, कौन मेरा साथ देगा? कोई भी नहीं। चलें जी हम घर चलते हैं, पहुंच गई हूं मैं। और ऐसे ही मैंने इनको पूछा था, उल्टी मुझे सुननी पड़ गई है यार। ये पाकिस्तानी हमारी चीजें जौन सी है ना, ये रंग छोड़ती हैं। अब चीटों से रंग छोड़ देंगे, चीजें भी रंग छोड़ रही हैं बाबा। आपकी सारी फिंगर्स हाँ ऑरेंज हो गई हैं। आदम ने दिखाया, हम तो बल्कि हैरान हो गए। चले देखो जरा। अभी वॉश कर लेना, ठीक है? हाथ पकड़ ले साफ वाला। आपको सारे उठा लिए? हाँ बैग्स पकड़ लो। आप आदम को पकड़ो। चलो आदम आ जाओ। ये हाथ पकड़े, ये वाला हाथ पकड़ाना। वो रही सामने आइसक्रीम शॉप। अगर होती गर्मी फुल तो यहाँ पे इतना रश होना था ना इस टाइम पे। वाकई कोई भी नहीं है, मौसम ठंडा है ना इसलिए आइस भी कोई नहीं खा रहा। आप लोग सोचते होंगे मैं आइस कहती हूँ, जर्मन में आइसक्रीम को आइस ही बोलते हैं, इसलिए मैं भी आइस बोलती हूँ। ले जी देखे मैं क्या लेने गई थी। मैं केक रस लेने के लिए गई थी, मैं लेके आई हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था नहीं खाए थे, अब ज़रा दिल हो रहा था केक रस चेक करते हैं, क्योंकि खा खा के ना बोर हो जाते हैं, यहाँ के बहुत मज़े के नहीं होते, इसलिए फिर हम गैप कर लेते हैं थोड़ा सा। आज आ गई हैं सारी मनपसंद चीज़ें, आलू भुजिया, ये स्पाइसी पोटैटोस हैं बड़े मज़े के, वो नूडल्स जैसे आप कह लें वही टाइप, लेकिन स्पाइसी होते हैं, मज़े के लगते हैं मुझे। मैंने कहा आज ये भी खाते हैं। साथ में सीख कबाब भी हमारे एंड हो गए थे, ये भी मैंने एक पैकेट पकड़ लिया। जहाँ पे सारा कुछ देख रहे हैं वहाँ पे आदम का ड्रिंक भी देख लें। आदम सब अपने लिए लेके आए हैं, और ये भी मामा दिखा दें आप। मैंने कहा ओके करो, ये चेक करें। थैंक यू। मैं हमेशा नॉर्मल स्टोर से लेती होती हूँ दूसरे कॉर्नफ्लोर, लेकिन अभी मैं इधर गई थी तो मुझे यहीं से मिल गया, तो मैंने कहा ये अहमद फूड्स का इस दफ़ा पकड़ लेते हैं, इसको भी चेक करते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं यहाँ पर जो स्टोर है उनसे ले लेती हूँ। ये देखें जी, ये रहे मैंगोज़। अभी हम इनको आज जैसे कहते हैं ना नए करेंगे, ये वो सीन है। और इसकी प्राइस चेक करें, 8.5 यूरो के 4 मैंगो हैं, ये देखें। बस यहाँ पे ना हमें आम भी तरस तरस के खाने पड़ते हैं, तो चलें शुक्र है अल्लाह का मिल तो जाते हैं, लेकिन बहुत महंगे मिलते हैं। और ये रहेंगे जी एंड पे ग्रीन चिलीज़, ये भी मुझे बहुत ही फ्रेश वहाँ पे मिल गई थी। मैंने कहा इनको भी पकड़ो, अब आगे से ईद भी आ रही है, आपको पता है इस चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कोई कढ़ाई शढ़ाई बनाने में यूज़ हो जाएंगी। चलें जी ये थी मेरी सारी शॉपिंग जो मैं अभी करके आई हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ डीएम से मैं क्या लेके आई हूँ। अभी मैं आपको डीएम की शॉपिंग सारी चेक करवाती हूँ जी, मैं क्या लेके आई हूँ। ये मैं लेके आई हूँ हैंड वॉश,
और आदम आप भी निकालो क्या लेके आई हूँ मैं। हाँ जी, साथ में मैंने ली है अपनी विटामिन डी टैबलेट्स, अभी इनकी ज़रूरत पेश आ चुकी है मुझे, फील हो रहा है कि ये खानी चाहिए। ये रहा आदम का शैम्पू, पेस्ट आ गई है, ये रही जी सारी पेस्ट। और क्या है, मैं अपना शैम्पू भी आपको चेक करवाती हूँ कि फिर मैं कौन सा लेके आई हूँ। मैं बड़े सालों से, 6-7 साल हो गए हैं कि मैं ना जिंजर वाला यूज़ करी थी बॉडी शॉप का, लेकिन अभी वो बहुत शॉर्ट है, आ ही नहीं रहा है, ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा, और अगर ऑनलाइन मिल रहा है तो उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने कहा अभी चलो दफ़ा करो, वेट करते हैं, ये ट्राई करती हूँ मैं। ये एलोवेरा का लेके आई हूँ, वैसे भी समर में आपको पता है कि एलोवेरा बहुत यूज़ होता है, तो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। ये रहा ज़ाफ्ट, ये बहुत अच्छा होता है, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पीते हैं, ठंडा करके ये मज़े का लग रहा होता है। और ये वली, आपने शैम्पू लिया है ना जी। वली के बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, पता नहीं, एक तो हर दूसरे दिन यहाँ पे ना वॉश करो तो ऑयल निकल आता है। अच्छा जी, और क्या लिया है? हाँ, ये आदम ने अपना वाटर लिया, एक स्टिल वाटर है, फ्लेवर में है, लेकिन एप्पल वाला फ्लेवर है, एप्पल फ्लेवर में है। अच्छा जी, ये बाकी जो है ना, हमने सारे ये घी वाले सॉफ्ट जो हैं, ये ज़ाफ्ट लिए हैं सारे। अच्छा जी, वीडियो का एंड करते हैं, बस ये थी मेरी सारी शॉपिंग, और होप सो आपको पसंद आई होगी वीडियो की बात कर रही हूँ। चलें जी, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किया करें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।